हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं अब सेकंड ईयर में जाएंगे या जा चुके हैं, उन्हें कोर पेपर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, AECC पेपर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और GE में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करूं कोर पेपर के बारे में, आपको बता दूं AECC क्या होता है, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपने EVS लिया था तो आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश ली थी तो इस बार EVS मिलेगा। ये तो हो गए AECC की बात, उसे हटा देते हैं। अब आ जाते हैं अपने GE में। GE वो सब्जेक्ट है जिससे अगर आपने कंटिन्यूस 4 सेमेस्टर अगर आपने पढ़ा, जैसे इंग्लिश ऑनर्स ले रखी है आपने और आप GE में क्या पढ़ रहे हो, पोल साइंस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी है, अगर उससे आप 4 सेमेस्टर कंटिन्यूस पढ़ लेते हो तो आप उस सब्जेक्ट में MA, MSc और MCOM वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी है उसमें चॉइस, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट में आप कोई भी मास्टर डिग्री ले सकते हो, कहने का मतलब ये था। तो अब GE भी हटा देते हैं, AECC भी हटा देते हैं, ये दोनों चीजें हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं अपने कोर पेपर्स में। तो कोर पेपर वो पेपर होते हैं जो कि हम अपना जो इंग्लिश ऑनर्स है उससे मेन रिलेटेड होता है। मेन पेपर कहने का मतलब ही हो गया कोर पेपर। तो डिस्कस करते हैं एक वन बाय वन। ठीक है, तो ये जो है पेपर का नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। पहली जो बुक है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, रिटन बाय R.K. नारायण। दूसरी बुक है इनका स्टडी, अनिता देसाई। ये बुक आपको सिंगल मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये जो है ये जितनी भी है, आठ जो है ये पोएम्स हैं और 1, 2, 3, 4 ये है शॉर्ट स्टोरीज। तो ये दोनों तो हो गई एक अलग सेपरेट बुक हो गई। अब जो ये है और ये है, इनके बारे में एक बार बता देता हूं मैं। ये है एक पोएम फ्रीडम टू स्लेव और द ऑर्फन गर्ल, ये दो अलग अलग पोएम है जिसे लिखी है HLV डेरोजियो ने। एन इंट्रोडक्शन और माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये लिखा है कमला दास ने। एन एंटरप्राइज और द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन लिखा है निसे मेजिकल ने। और द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रोबिन एस नैंगोम और अ पोएम फॉर मदर लिखी है रोबिन एस ने। ओके, तो ये तो है सारी पोएम्स। इसके लिए अलग अलग आपको कुछ लेना जरूरी, मतलब बुक लेने की जरूरत नहीं है कि एक बुक में इसकी अलग पोएम मिलेगी, इसकी अलग पोएम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं बुक दिखा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं आगे शॉर्ट स्टोरीज में। पोएम आपको पता ही है पोएम क्या होता है ना। शॉर्ट स्टोरीज देख लेते हैं। ये है द टू लेडी रैम्स रिटन बाय मुल्क राज आनंद, द फ्री रेडियो रिटन बाय सलमान रुश्दी, स्विमिंग लेसन्स रिटन बाय रोहिंटन मिस्ट्री, द इंट्रूजन शशि देशपांडे। एक्चुअली ये PDF थोड़ी सी हल्की है प्रिंटेड, दैट्स वाई अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो सॉरी। बाकी ये जो है चार अभी मैंने बताई, ये है शॉर्ट स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके बुक दिखा देता हूँ। मेरे पास फिलहाल स्वामी एंड फ्रेंड्स है नहीं, बाकी अनिता देसाई है, तो अनिता देसाई देख सकते हो आप। ये अनिता देसाई है, ये ऐसी है बुक, ये वाली विंटेज पब्लिकेशंस की है मेरे पास, आप किसी और पब्लिकेशन की भी ले सकते हो। तो ये फ्रेंड, ये जो है ये आप देख लो एक बार इस बुक को। और दूसरी बुक है ये फ्रेंड्स, जिसमें पोएम्स भी मिल जाएगी आपको और शॉर्ट स्टोरीज भी मिल जाएंगी, तो आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पोएम भी सेम है, शॉर्ट स्टोरीज भी सेम है। एक बार मैं फिर से दिखा दूं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ की आठ पोएम्स प्लस 1, 2, 3, 4 चार की चार शॉर्ट स्टोरीज आपको इसी में मिल जाएंगी, अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार देख लो, एडिटेड बाय आनंद प्रकाश और वर्ल्ड व्यू एडिशन की है। अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो आपको ये बुक बोलनी है लेने, मतलब ये बुक लेनी है आपको। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गई क्लियर। इसमें आगे बढ़ जाते हैं सजेस्टेड टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश मैंने क्यों बोला, मैंने इंडियन लिटरेचर क्यों नहीं बोला। अभी यूरोपियन लिटरेचर पढ़ के आए हो ना आप, तो इंडियन लिटरेचर क्यों नहीं बोला मैंने, इसको पढ़ेंगे। इंडियन इंग्लिश क्या होता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स रीडरशिप। रीडरशिप मतलब होता है कौन कौन पढ़ता है, ठीक है, मतलब रीडर्स कौन कौन है। ये हो गया सजेस्टेड टॉपिक्स थे वो। सजेस्टेड टॉपिक्स इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं सिलेबस में ताकि बच्चों को आ जाए समझ कि
जो वो बुक पढ़ेंगे वो उनको कैसे लिंक करेंगे उनसे, ठीक है। थीम्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल, द एस्थेटिक्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, मॉडर्निज्म इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये तो थे सजेस्टेड टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, ताकि हमें टेक्स्ट आ जाए समझ अच्छे से। जो जो भी टेक्स्ट थे, जैसे इनका स्टडी था वगैरह वगैरह, तो उनको समझने के लिए पहले हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रीडिंग्स हैं राजा राव की, फॉर राजा राव की हमें पढ़नी पड़ेगी कांतापुरा, सलमान रुश्दी की कॉमनवेल्थ लिटरेचर डजंट एक्सिस्ट, उसके बाद मीनाक्षी मुखर्जी की डिवाइडेड बाय कॉमन लैंग्वेज, और ब्रूस किंग की इंट्रोडक्शन। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने इतना सारा क्यों बता दिया। ये हैं आपके मेन टेक्स्ट, ये मेन टेक्स्ट हैं जो कि पढ़ने होंगे, और ये हैं सजेस्टेड टॉपिक्स। पढ़ के जाओ ना जाओ बराबर है, लेकिन एग्जाम में ये लिंक करना पड़ता है। अगर किसी बच्चे ने अगर एग्जाम में लिंक किया इनको इनको पढ़ के, तो एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छे मार्क्स गेट करेगा। अगर नहीं करा आपने तो पास तो ही जाओगे इजीली, बट आई थिंक दैट अगर स्टार्टिंग से ही अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। वो लिंक करने हैं। फिर से इसी इस पेपर की बात करते हैं, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा। ये नेक्स्ट पेपर है आपका, वो इंडियन इन राइटिंग इन इंग्लिश था, ये है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 to 17 सेंचुरी। जो इसमें पहली बुक है वो है जियोफ्रे चौसर की द वाइफ ऑफ बेस प्रोलोग, ठीक है। ये एक बुक है द वाइफ ऑफ बेस प्रोलोग, मैं अभी दिखा दूंगा ये बुक, टेंशन मत लो आप। दूसरी जो है एडमंड स्पेंसर की एमोरेटी, एमोरेटी एक कलेक्शंस है पोएम की, सोनेट्स पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आप, सोनेट्स वो होते हैं जिसमें 8 लाइन से होती हैं, पोएम्स टाइप की, पोएम टाइप की होती है। पढ़ेंगे इसे, देखेंगे एक बार, फॉलो करते रहना आप मुझे बस। तो सोनेट कौन सी है, LXV11, ये पढ़नी है। लाइक एज अ हंट्समैन, स्वीट वॉरियर, वन डे आई रॉट हर नेम, द सन, ठीक है। ये पढ़नी पड़ेंगे एडमंड स्पेंसर की, ये सारी। उसके बाद जॉन डन की द सन राइजिंग, बेटर माई हर्ट, अ वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग वार्निंग, ये सब पढ़नी पड़ेंगी हमें। किसकी, जॉन डन की। ये तो देखो कलेक्शन ही कह सकते हो आप। द वाइफ ऑफ बेस प्रोलोग अलग से बुक आती है इसकी वैसे, ठीक है। सेकंड जो है वो है क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस, थर्ड जो है विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ, और फोर्थ है विलियम शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट। ये एक नोवेल है, मतलब एक प्ले है, ये भी एक प्ले है मैकबेथ, डॉक्टर फॉस्टस भी एक प्ले है, और ये सारी पोएम्स हैं, ठीक है। तो मैं बुक दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये मेन है मेन। इसके बाद इसमें भी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, ताकि अगर ये चीजें समझनी है तो उससे पहले अगर ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं फिर दिखा देंगे बुक्स। रिनाइसेंस क्या है, रिनाइसेंस ये स्पेलिंग देख लो आप, क्योंकि ये एग्जाम टीचर जो है अचानक पूछ लेगा, फिर समझ नहीं आएगा आपको। RENAISSANCE, 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 ह्यूमैनिज्म। रिनाइसेंस क्या है, रिनाइसेंस ह्यूमैनिज्म, ठीक है। उसके बाद द स्टेज कोर्ट एंड सिटी, कैसे स्टेज को सजाया, मतलब स्टेज में कैसे प्ले को किया जाता था, कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिटी के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट, आइडियाज ऑफ लव एंड मैरिज, ठीक है, द विंटर इन सोसाइटी। तो ये तो थे सजेस्टेड रीडिंग्स टॉपिक्स कह सकते हो। इन्हें ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्हें लिंक करना पड़ता है अपने आंसर के साथ, तो ही अच्छे मार्क्स आते हैं। उसके बाद पिकोडेला मेरोंडोला की ये पढ़नी पड़ेंगी, द ओरिएंटेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, जॉन कैल्विन की द पेडिस्टिनेशन, क्लियर भी नहीं दिख रहा, पेडिस्टिनेशन एंड फ्री विल, पेडिस्टिनेशन एंड फ्री विल द पोर्टेबल रिनाइसेंस। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है फिलिप सिडनी की एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, और बेलाडे सेरी की लॉन्गिंग फॉर ब्यूटी। तो ये सजेस्टेड टॉपिक्स हैं, बाद में भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में, लेकिन जो मेन पढ़ना होगा आपको एक ये पूरा पोर्शन, और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक बार मैं बुक दिखा देता हूँ, अभी मैंने बताया था ये रहा डॉक्टर फॉस्टस की, क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस, जो मैं आपको बता रहा था अभी। एक बुक हो चुकी, ये ब्रिटिश की है, ये ब्रिटिश की बुक्स देख लो आप। ये है विलियम शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट, और ये है वो सोनेट वाली बुक,
स्पेंसर था ना इसका नाम, स्पेंसर एंड डॉन दोनों ही मिल जाएंगे आपको, सनराइजिंग वगैरह सब कुछ जितनी भी पोएट्री है सब इसी में मिल जाएगा। ये बुक देख लो फ्रेंड्स अगर आप परचेज करने जाते हो, अगर ये परचेज करने जाते हो आप, सॉरी अगर ये आप परचेज करने जाते हो तो आपको ये इस टाइप की बुक्स लेनी है, वर्ल्ड व्यू क्रिटिकल एडिशन, ठीक है। और लास्ट जो बुक है मेरे पास वो है मैकबैथ की, विलियम शेक्सपियर की मैकबैथ। तो ये तो था फ्रेंड्स सिलेबस। तो फ्रेंड्स ये थी सारी बुकें हमारे पास, और आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में एक बार सारी बुक्स की ओवरव्यू देख लो। इस टाइप में मैकबेथ, लव कैनोनाइज, ये देखो ये ब्रिटिश, ये ब्रिटिश, ये ब्रिटिश, ये ब्रिटिश, और ये दोनों। एक बुक और रह गई है अपनी इंडियन में, ये जो दोनों नीचे मैंने सेपरेट करी है, एक इंडियन में और रह गई है, वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। बाकी ये ऊपर वाली सारी ब्रिटिश की हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। किसी ने रिक्वेस्ट करी थी बाय द हेल्प ऑफ कमेंट कि भैया प्लीज आप सिलेबस डाल देना, बता देना एक बार, तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी फ्रेंड्स। और अगर इस बार स्टार्टिंग से ही हम वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे ताकि आप लोगों को एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, तो फ्रेंड्स फॉलो करते रहो मेरे को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो ताकि सभी को सिलेबस के बारे में पता लग जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।